लिफ्ट मिली हमको, अंकल जी ने लिफ्ट दी है। बैग अपना वो रखा हुआ है पीछे। भाई साफ पूरा एरिया ना ऐसा लग रहा है ऐसे सूखा हुआ है, क्योंकि हमारे एरिया में ये थोड़ी कम है। फाइनली पहुंच गए भाई मंदिर पे। ये बाहर की ये बहुत गर्म है यार, ये वाला पत्थर। ओ भाई साहब, हेलो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल चाल है भाई। स्वागत है आप सभी का एक और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर। जी हाँ, अभी हम लोग हैं भाई इस पेट्रोल पंप पे। जैसा कि अगर आपको पता हो तो कल रात को हमने कैंपिंग की थी यहाँ पर, और ये गांव का नाम है भाई गोविंदनी, गोविंदनी करके गांव है। थोड़ा सा आगे उधर की साइड, इधर की साइड है और हम थोड़ा सा बाहर की साइड है। तो ये वाले गांव में अभी हम हैं। अभी हम लोग जाने वाला यनंगति टेंपल है। प्रोनाउंसिएशन मेरी गलत है, अगर साउथ से कोई देख रहा है तो मेरी प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है। यनंगति करके टेंपल है, यहाँ से रह गया अपना 20 किलोमीटर के आसपास रह गया, वो देखेंगे। भाई ने रात को बताया था यहाँ पर माइंस वगैरह भी है, क्योंकि ये वाले जो पत्थर है ना, ये जितने भी दिख रहे होंगे आपको, ये इस एरिया में आपको काफ़ी ज़्यादा दिखेंगे, काफ़ी ज़्यादा तादाद में है। ये देखो हमारे इधर की साइड भी है, यहाँ ट्रॉलियाँ खड़ी थी उसके अंदर भी थे। तो देखते हैं इसकी भी माइंस वगैरह बता रहे हैं कि थोड़ा सा आगे है, वो देख लेते हैं, फिर आगे की तरफ जाते हैं, फिर उसके आगे का तो फिर आगे देखेंगे। बाकी यहाँ पर भाई खाने पीने के लिए व्यवस्था नहीं थी रात को, खाने के लिए मतलब ढाबा भी नहीं था, पानी के लिए यहाँ पर पानी भी नहीं है क्योंकि गांव में है ये बिल्कुल। तो पानी भाई अपने लिए लेके आए थे, उसमें से हमने थोड़ा सा लिया। खाने के लिए हम लेके आए थे भाई रात को, कल ही लेके आए थे कुरनूल से केले, तो केले ही खा लिए। उससे पहले भाई हम लोग खा लिया था, आपको वीडियो देखी होगी आपको पता होगा हमने भटूरे ही खाए थे। बाकी बस अभी प्लान है कि रेडी शेडी होते हैं, रेडी क्या यहाँ पर नहाने के लिए, मुँह हाथ धोने तक के लिए पानी नहीं था तो हमने तो भाई पानी की पीने वाली बोतल से ही मुँह धो लिया अभी, और क्योंकि आगे जाके तो भर ही लेंगे। एक गांव आने वाला है, मेन जंक्शन सा पड़ता है, वहाँ से हमको राइट की साइड कटना है, फिर वहाँ पर अपना टेंपल आ जाएगा। वो वाला टेंपल उसका क्या नाम था भाई, वो जगह का कहाँ जाना, बांगना पतीत बंगनापल्ली, पहले जाना बंगनापल्ली, हाँ यनंगति मंदिर, बंगनापल्ली करके गांव है वहां पहुंचना है पहले। डेस्टिनेशन हमारी उसके भी आगे है, वो शाम तक वहां पर पहुंचेंगे। शाम को पहुंच के वहां पर हम लोग कैंपिंग करेंगे शायद से, या फिर बीच में अगर कहीं पर पूरी लिफ्ट नहीं मिली, क्योंकि मंदिर के बाद उसकी जो डेस्टिनेशन मतलब जो डिस्टेंस है वो है भाई 44 से 50 किलोमीटर के बीच में, तो वहां तक हमको पहुंचना है। रेडी है सर? हाँ हाँ भाई, चलो चलो चलते हैं भाई। ओ मेरा वो रह गया, मेरा पावर बैंक अंदर चार्ज लगाया और हम लोग निकलने की तैयारी में है, सॉरी। देखो ये था भाई इधर पानी का सिस्टम, ये लगा अपना पावर बैंक, हो गया पूरा चार्ज, अभी फुल रेडी हैं, अब निकलते हैं। अभी भी एक बार और सामान चेक कर लेना भाई, अभी निकलते हैं भाई। और वही भाई निकलेंगे कैसे, लिफ्टों पे ही, लिफ्ट पे ही जाएंगे, क्योंकि कल भी हमने कम से कम 70 किलोमीटर लिफ्ट ली थी। 70 किलोमीटर बड़ी बात नहीं है, लेकिन गांव के बीच में लिफ्ट लेना 70 किलोमीटर बहुत बड़ी बात है। चलो इसको रखते हैं, फिर जाते हैं अपने लेफ्ट साइड में। अब टांग लिए हैं अपने बैग और बिस्तरे अंदर ही हैं, बाकी गाड़ी आ रही है भाई, लिफ्ट की ट्राई मारते हैं, शायद से भगवान की कृपा से मिल जाए। नहीं भाई नहीं मिली, चलो कोई नहीं, लिफ्ट का काम शुरू कर दिया गया है। लिफ्ट के साथ साथ हम चलने का भी काम करते हैं, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह पर कोई मतलब अगर नहीं मिलती तो दूसरी जगह पर चले जाना चाहिए आप लोगों को भी, अगर ऐसे लिफ्ट वगैरह लेते हो तो। बाकी ट्राई मारते रहेंगे हम, पीछे भी ट्रैक्टर आ रहा है, एक ट्रक आ रहा है, देखते हैं मिलती है कि नहीं। आगे आगे फिर अपन अपडेट देते ही रहते हैं। बाकी भाई नज़ारे लो, ये खूबसूरत से विलेज क्या यार, यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया है पूरा, ये ऐसे पत्थर वगैरह रखे हुए हैं चारों तरफ। ये अब लिफ्ट मिली है एक एक करके, हम बैठ गए यहाँ से 8 किलोमीटर आगे है बंगनपल्ली, वहाँ पर पहुँचते हैं। लिफ्ट मिली है हमको, अंकल जी ने लिफ्ट दी है, और पीछे भाई है अपना वो आ जाएगा दोबारा से बाइक पे, क्योंकि छोटी थी और यहाँ पर बाइक ज़्यादा चलती है, गाड़ियाँ कम रुकती हैं, तो बाइक पे हमने सोचा कि एक एक करके पहुँच जाते हैं। अभी दूसरा दिन है, तेलुगु ले फोन मरता हूँ, हैं फोन मरता हूँ कौन, नहीं तेलुगु, आपका नाम क्या है, नाम नाम आपका नाम, हाँ फोन मर रहा हो, हाँ वीडियो वीडियो यूट्यूब वीडियो, हाँ तो अभी पहुँचते हैं जहाँ तक भी है लेके जाएंगे, छोड़ देंगे। बाकी भाई आपने देखा तेलुगु की दिक्कत आती है हमको, क्योंकि हमको तेलुगु नहीं आती, इनको हिंदी नहीं आती, साथ से पता नहीं समझ भी आती है कि नहीं। बाकी अपना भाई आ ही जाएगा पीछे पीछे, और ये चल रही है भाई अपनी लूना पे।
तो भाई ये कोई नहर है जो कि बिल्कुल खाली सूखी रखी हुई है, ये देखो इधर से। और ये सामने शायद से कोई फैक्ट्री है, यानी कि इंडस्ट्रियल एरिया ही है पूरा, यहाँ पर पत्थर वत्थर का काम चलता है। यहाँ के गांव भी अपने जैसे नॉर्थ इंडिया में होते हैं वैसे ही सेम टू सेम है भाई, पूरा इंडिया ही है, बस घर भर का भी सेम ही है अपने। जैसे अगर ज़्यादा साउथ में जाएंगे तमिलनाडु साइड में, वहाँ पर थोड़ा बहुत सा घरों का डिज़ाइन चेंज हो जाता है, बाकी यहाँ पर बसें वगैरह भी चलती हैं लोकल। और ये घर भाई अपने बिल्कुल जैसे नॉर्थ इंडिया में है वैसे ही है, ये सारा नॉर्दर्न इंडिया जैसे ही है सारा कुछ। सामने एक मस्जिद आई है, सूखे सूखे इलाकों से अभी आ गए भाई हरे भरे इलाकों में। ये देखो भाई साहब, हरे हरे पेड़ पौधे शुरू हो गए यहाँ पर, पहाड़ वगैरह यहाँ पर भी भाई ऐसे काटने वाले पेड़ लगते हैं जैसे पूरी अपनी नॉर्दर्न इंडिया के अंदर लगते हैं। बाकी ये नहर है, इधर भी एक नहर वहर यहाँ पर काफी है। और देखो हरियाली शुरू, हरे हरे पहाड़, हरे हरे पहाड़ तो शुरू नहीं हुए, उनके ऊपर लगे हुए छोटे छोटे दरख्त। और बाकी यहाँ पर भाई हरियाली शुरू हो गई है, थोड़ी थोड़ी घास भी देखने को मिल रही है, इधर की साइड भी है और इधर की साइड भी है। और ये अंकल जी है जिन्होंने हमको लिफ्ट दी है, तो थैंक यू सर, थैंक यू। सो भाई लिफ्ट लेके यहाँ तक पहुँच गए, ये गाँव के बाहर, हरप्रीत भाई ने बोला बाहर उतर जाना, बाकी इन्होंने लिफ्ट दी थी, इनको थैंक यू सर। तो भाई अभी यहाँ से शायद से पता नहीं किधर जाना है, यहाँ पर थोड़ा खाना आना खाने की जुगाड़ करनी है, बाकी थैंक यू। अभी यहाँ पर खड़ा हूँ मैं और बस आ रहा है भाई, और भाई आता फिर अपन यहाँ से निकलते हैं खाने के लिए, जुगाड़ वगैरह लगाते हैं कहीं पर और फिर यहाँ से मंदिर की तरफ। तो भाई लिफ्ट मिली होगी अपन को 8 किलोमीटर की, बंगनापल्ली करके ये गांव है, पहले प्रोनाउंसिएशन में गलती हो गई उसके लिए सॉरी, बंगनापल्ली करके गांव है, यहाँ पर अपना पहला पड़ाव था, दूसरा मंदिर है। और 8 किलोमीटर अपना ये हो गया, अभी रह गया भाई आगे 12 किलोमीटर। बाकी ये है भाई इधर का टाउन, अभी थोड़ा सा अंदर नहीं है, थोड़ा सा आउट में है टाउन के, क्योंकि खाना खाना है हमको यहाँ पर, शायद यहाँ पर आसपास ढाबा है इसलिए उसने बोला कि यहाँ रुक जाओ, क्योंकि वो लोकल के साथ है ना, तो वहाँ उन्होंने बताया होगा, ऑटो के अंदर आ रहा है वो। और ये भाई इधर का कुछ नज़ारा है ऐसा। तो जनाब बैठ गए ऑटो के अंदर, ये वही ऑटो है जिसके अंदर हरप्रीत आ रहा था, और अभी जाना है अपन को खाना खाने के लिए, रुकना है, बैग अपना वो रखा हुआ है पीछे, अगर गिर गया तो उसमें कुछ है नहीं है, कपड़े ही हैं। बाकी ये भाई वही है बंगनापल्ली टाउन, अब पहुंच गया मेन में, पहले मैं उतर गया था थोड़ा सा आउट एरिया में। सो भाई पहुंच गए हैं, ये यहाँ पर है खाना है, ये भाई कोई मंदिर है पता नहीं क्या है, इसके अंदर चलते हैं अभी और देखते हैं यहाँ पर क्या है खाने के लिए। और ऐसा है कुछ भाई अंदर से ये देखता है, बाकी ये तो रोड है गांव से जो हमारा मेन टाउन है उससे, तो भाई हम 1.5 किलोमीटर बाहर आ गए और हमको जाना था अपोजिट डायरेक्शन में, हम अपोजिट में गए, अब यहाँ से फिर से लिफ्ट मांग के वही टाउन तक जाना पड़ेगा। सो भाई यहाँ पर खाली है, ये एक मंदिर टाइप पता नहीं क्या है, लेकिन यहाँ पर ऐसे सेवा वगैरह करते हैं ऐसे अपने गुरुद्वारे में नहीं करते लंगर की, वैसे यहाँ पर है। और यहाँ पर बैठ के खाया, और हम थोड़ा लेट हो गए, तो यहाँ पर जिनके साथ हम ऑटो में आए थे वो अंकल जी बता रहे थे कि यहाँ पर खाने को और भी होता है, लेकिन अभी हमने खाया भाई चावल और क्या था, इमली सब्जी, मतलब चटनी इसी टाइप की थी और टेस्टी थी, जैसे अपने लंगर मिलता है ना सेम टू सेम वैसे ही है। ये पूरा यहाँ से ये एंड तक वहाँ तक है, गेट वैसे मंदिर वाला ही लगा हुआ है, बाकी खाना पीना अपना हो गया अभी। और ये भाई साहब कह रहे हैं हमको भटूरे खाने, हमने कि खा लेना भाई, हम तो खाएंगे नहीं, क्यों अपना तो पेट अब फुल हो गया, मन भर के खाया अपन ने, तो एक प्लेट में काफ़ी ठीक ठाक था और मज़े आ गए। बाकी अब यहाँ से निकलने की अपनी तैयारी है, बैग वैग ये रखे हुए हैं, निकलते हैं यहाँ से, बहुत थोड़ा सा आउट में है, 1.5 किलोमीटर शहर पार करते हैं जाके, फिर यनंगती टेम्पल अपना आ ही जाएगा थोड़ी देर में, वहाँ से रह जाएगा 12 किलोमीटर शहर से, यहाँ से हो गया होगा 13.5 किलोमीटर के आसपास। भाई लिफ्ट मिल गई है, जैसे वो मंदिर या आश्रम छोटी था वहाँ से निकले हैं, और बंगनपल्ली तक लिफ्ट पता नहीं कहाँ तक मिली है, जहाँ तक मिली है वही ले जाएंगे भाई साहब। और हमको तो भाई लिफ्ट वो भी बहुत जैसे लगती है, बाकी ये मिली है भाई छोटे हाथी के अंदर ही, छोटे हाथी में हमको ज़्यादा लिफ्ट मिलती है, और जितना भी है चलो पहुँचा तो देंगे थोड़ा बहुत आगे तक,
वहां से फिर अपना टेम्पल कम से कम 12 किलोमीटर रह जाएगा, वो तो फिर कवर कर देंगे अपन एकदम से। नजारे खुल रहे हैं, सुबह के 10:30 बजे हैं और चलो भाई नजारे लो जिंदगी के। और ये भाई साहब पेड़ पौधे वाली जिंदगी शुरू हो गई है। हाँ यहीं तक ही थी यार, ज़्यादा नहीं थी। चलो कोई चक्कर नहीं है, 1 किलोमीटर नहीं है, 1/2 किलोमीटर तो मिल ही गई। अभी उतरते हैं भाई नीचे। यहाँ पर होंडा का शोरूम भी देखने को मिल गया, बस यहाँ पर जो उन्होंने उतार दिया अपन को, जिन पे छोटा आती था जिन पे बैठ के आए थे लिफ्ट लेके। बाकी यहाँ पर ऐसा रिसाइकिल वाला सिस्टम हो रहा है, ये वही वाला सामान है जो हमने वहाँ देखा था अपने रॉक गार्डन के अंदर। वो वीडियो भी देख लेना, पीछे लिंक या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या पीछे चैनल में जाके थोड़ा बहुत वीडियो स्क्रॉल करके देख लेना। और यहाँ पर मार्बल का काम मैंने बताया, जैसे कि ग्रेनाइट मार्बल वगैरह, इसका काम काफ़ी ज़्यादा है। सो भाई अपने यहाँ पर चलते हैं, आलू वाले समोसे यहाँ पर हैं भाई, प्याज वाले 10 के 3 मिले हैं, ले लिए यहाँ से। और ऑनलाइन पेमेंट यहाँ पर हो जाती है। बाकी शोरूम देखो, यहाँ पर तगड़े तगड़े शोरूम हैं। पहले होंडा का देखा, अभी रॉयल इनफील्ड का देखा। यहाँ पर काफ़ी अच्छा है, मतलब माहौल वगैरह। बस अब टाउन से बाहर निकलने ही वाले हम, सोचा थोड़ा बहुत और खाने के लिए ले लिया जाए, स्नैक्स वगैरह तो ले लिए हैं, अभी बस चल रहे हैं भाई। काफ़ी तगड़ा टाउन है यार ये, मेन हब ऐसा लग रहा है, ऐसे मेन टाउन होता है ना कोई, वैसा ही लग रहा है ये पूरा का पूरा। ये है जी चौराया, हम आए थे इधर से और इधर चले गए थे, जाना था अपन को सीधे, तो अभी जाएंगे भाई सीधे, रोड क्रॉस करते हैं। चौराया आ गया ये, अभी करते हैं क्रॉस भाई ये वाला चौराया। देखो एक इधर है, एक इधर है, ये ट्रक देखो भाई कितने तगड़े तगड़े हैं यहाँ पर। जनाब चलते चलते बंगनपल्ली जो अपना टाउन था उसको पार कर दिया गया है, और अभी यहाँ से हिचहाइकिंग की शुरुआत की जाए और लिफ्ट मांगने का काम करते हैं भाई शुरू। यहाँ से मिल जाएगी आसानी से, 10 किलोमीटर रह गया है, 1 किलोमीटर। अरे यार वो निकल गई गाड़ी यार, हमने ध्यान नहीं दे पाया, तो हम मुंह इधर करके चल रहे हैं ना। एक जगह रुक के लिफ्ट लेते हैं, वहाँ आगे छाए हैं, वहाँ पर रुकते हैं, लिफ्ट लेते हैं, 10 किलोमीटर है, फिर दिखाते हैं भाई यनंगटी टेम्पल जो भी है, प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाती है बार बार। बाकी लिफ्ट लेते हैं यहाँ से, कोई ना कोई तो आएगा ही, अभी तो वैसे कोई नहीं आ रहा, बट जल्द ही आ जाएगा। यहाँ बैठते हैं थोड़ी देर, रेस्ट क्या करनी है, सामान रख के लिफ्ट मांगते हैं। तो जनाब 10:30 से 12 बज गए हैं और कोई लिफ्ट वाला, मतलब कोई लिफ्ट दे ही नहीं रहा और रुक ही नहीं रहा भाई कोई गाड़ी वगैरह लेके कोई, मतलब बहुत कम लोग आ रहे हैं, आ भी रहे हैं तो रोक नहीं रहे। और नींद भाई बहुत ज़्यादा आ रही है, पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा नींद आ रही है। देखो ट्राई तो कर रहे हैं ये शायद से रोक ले, नहीं भाई यार मुश्किल है अभी लिफ्ट लिफ्ट मिलना, तो पता नहीं यहाँ पर की साइड क्यों है ऐसा मुश्किल। बाकी आगे थे जब हम तब तो भाई लिफ्ट मिल रही थी, और अभी आ रही है भाई भयंकर वाली नींद, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है भाई। और शायद से हो सकता है प्लान में हमारे चेंज आए थोड़ा बहुत, बट ये मंदिर तो कवर हम लोग करेंगे करेंगे। सो भाई वहाँ पर लिफ्ट नहीं मिल रही थी तो लोकेशन चेंज कर लिए, 100 मीटर की दूरी पर आगे आ गए। यहाँ पर एक ये दुकान थी, ये दुकान है भाई, यहाँ से लिए चाय, और चाय का तो ध्यान ही भूल गया था भाई, खा लिया था वो प्याज वाले समोसे रहते हैं वो, और अपना गन्ने का जूस पिया था, और 10 रुपये का और क्या खाया था, बिस्कुट लिए थे, और अभी चाय का ध्यान आया तो मैं सोची चाय पी लें, तभी नींद सी आ रही थी। अभी यहाँ से 10 किलोमीटर के आसपास रह गया, देखते हैं अभी मिलती है लिफ्ट के नहीं, वैसे चाय पीते सबसे पहले तो। बाकी ऐसे ट्रक जा रहे हैं ये वाले, बट रो का भी कोई नहीं रहा, पता नहीं क्यों नहीं, और गर्मी भी भाई तेज़ हो गई है काफ़ी ज़्यादा। इधर पी लेते हैं पहले, फिर मिलते हैं सामने। हाँ हाँ सो भाई 12:30 बजे मिली लिफ्ट, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और रुकना रुकना, किधर जा रहे हो? मंदिर, यनंगटी मंदिर नहीं है? हाँ हाँ हाँ, पैदल से? पैदल पूरा इंडिया घूम रहे हैं। अच्छा हाँ जी, चैनल है का नाम गणेश, गणेश। सो भाई कितनी देर, 2.5 घंटे से बैठे थे, और एक तो हम ही आलसी हैं भाई, नींद इतनी आ रही थी क्योंकि रात को भी सोए तो फिर पूरा अच्छे सुबह उठ गए थे, अच्छे से नहीं सो पाए थे तो दिक्कत आई थी। बाकी लिफ्ट मिल गई है भाई, थैंक यू भाई लिफ्ट देने के लिए।
वो उतर रहा है। सो भाई पहुंच गए हैं यहाँ से, अभी हमको जाना है, ये देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पर, 3 किलोमीटर रह गया बस, 3 किलोमीटर जाना है अभी, तो निकलते हैं अभी। ये रहा भाई रोड, आगे एक पैलेस था, पैलेस में हम लोग जा रहे थे बट जा नहीं पाए, पता नहीं भाई ने एकदम से गाड़ी चल चलाया। तो ये भाई इसकी एंट्रेंस, और यहाँ से 3 किलोमीटर रह गया यागंती टेम्पल। ओहो भाई साहब एंटर हो गए हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अभी ये गांव आया है कोई, अभी 3 ही किलोमीटर है, कोई ज़्यादा नहीं है, 3 किलोमीटर का है, और टेम्पल घुमाते हैं और रेस्ट करते हैं थोड़ी सी जाके, बहुत ज़्यादा थकावट सी हो गई है क्योंकि नींद ही नहीं पूरी हो रही। बाकी इधर के गाँव है भाई आंध्र प्रदेश के अंदर, ऐसे 1986 का ये वाला, ये भी देखो अपने नॉर्थ इंडियन जैसे, मतलब नॉर्दर्न इंडिया में जैसे घर रहते हैं ना, वैसे ही घर हैं, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, वैसे ही घर बने हुए हैं यहाँ पर, बस मंदिर थोड़े बहुत डिफरेंट हैं, और लैंग्वेज तो आपको पता ही है तेलुगु लैंग्वेज है यहाँ पर। भाई साहब पूरा एरिया ना ऐसा लग रहा है ऐसे सूखा हुआ है, पानी लग ही नहीं रहा कि यहाँ आसपास कहीं पर पानी है, बहुत ज़्यादा इधर तो ऐसा लग रहा है सूखा सूखा सा। ये देखना इधर भी मेरे को लग ही नहीं रहा कि इधर पानी, नालियां तक नहीं है यार इधर तो। हैंडपम्प है, देखते हैं इसके अंदर पानी है कि नहीं, होगा तो मेरे को नहीं लगता इसमें पानी होगा। बाकी ये गांव आव है इधर के, और भाई पीछे पत्थर का ढेर देखो यार कितना है, और इधर भी सूखे रखे हुए हैं, पूरा सूखा सूखा सा एरिया आ रहा है। गर्मी काफ़ी हो गई है यार, गर्मी एकदम से बढ़ गई। और ये देखो हैंडपम्प भी भाई, इसमें भी मेरे को लगता पानी नहीं है तभी ऐसा हो गया है। हाँ 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 ये भाई इधर ट्रक रख खड़े हुए हैं, और ये इधर पेड़ लगे हुए हैं तगड़े तगड़े से, पेड़ तो काफ़ी पुराने लग रहे हैं भाई देखने में। हाँ 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 गाँव, गाँव की ज़िंदगी मस्त है, बट ये पथरीला इलाका है पूरा।